प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक ने उनका स्वागत किया। पीएम के दौरे को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ममता ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे संभावित गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रीय पार्टियों की एकता विभाजित हो जाएगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक निजी बस 500 फीट गहरी खाई में गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस में कोंकण कृषि विद्यापीठ के 38 कर्मचारी सवार थे। वे पिकनिक मनाने के लिए दापोली से महाबलेश्वर जा रहे थे। महाराष्ट्र विधान भवन में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सभी दलों के नेताओं ने मराठा आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस मुद्दे पर विधानसभा सत्र की बैठक आयोजित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश कहर ढा रही है। पिछले 3 दिनों के भीतर सूबे के 31 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने से 58 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 11 लोग सहारनपुर में मरे हैं। वहीं बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 53 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य संचालित करने का निर्देश दिया है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मराठा आरक्षण के समर्थन में उतर आए हैं। कोल्हापुर में मराठा क्रांति मोर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं। शरद पवार का यह समर्थन उस समय आया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। राष्ट्रीय राजधानी की एक गौशाला में 2 दिन में 36 गायों की मौत हो गई। मौत की वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन गौशाला के कर्मचारी ने बताया कि 2 दिन से वाटर पंप खराब था। हमने यह बात गौशाला प्रबंधकों को बताई, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम गायों को बचाने की जितनी कोशिश कर सकते थे की, लेकिन गायों को देखने कोई डॉक्टर नहीं पहुँचा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गाय और भैंस के नाम पर मुसलमानों का कत्ल बंद करे, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। 1947 में एक विभाजन पहले ही हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुदासिर अहमद के अपहरण की खबर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। आतंकियों ने त्राल इलाके में रात के वक्त पुलिस ऑफिसर का अपहरण उनके घर के बाहर से किया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान को पाकिस्तान का मुखिया बनने के लिए करीब 20 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के नियमानुसार नेशनल असेंबली की सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों को चुनाव में हुए खर्च की जानकारी देनी होती है। इसके लिए उन्हें 10 दिन का समय मिलता है।